तो ये सारे अपने हॉस्टल वाले हैं। योर वुमन। लोगों के फोटो सेशन चल रहे हैं। एक तो हमारे हॉस्टल जो है ना बड़ा हेरिटेज स्टाइल का, खूबसूरत खूबसूरत लोग यहाँ भुट्टा बेचते हैं। इंडिया था? यस इंडिया इंडिया भाई, ये यहाँ के दूल्हा दुल्हन होते हैं। चुम्मा तेरा चुम्मा है ये? फोटो ओके नो प्रॉब्लम। देखो फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं, कुछ चलाओ और घुमाओ और ठोक दो। तो हमारे इंडिया गेट से भी थोड़ा बड़ा ही लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। तो चॉकलेट भी खा लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। कह रहे 5,000 दे दो, 5,000 सोम। तो भाई रात को निकल गए हैं, एक बता रहे भाई साहब, तो उन्होंने कहा भाई रात को यहाँ पे एक लाइटिंग प्रोग्राम होता है। तो ये सारे अपने हॉस्टल वाले हैं, ये भाई फ्रेंच से, एक कनाडा से, एक यूरोप से, मतलब अलग अलग जगह से हैं। देख के आते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस बेचारे ने सारे कपड़े धो दिए, निक्कर में घूम रहा है भाई। जस्ट वन पैंट भाई ट्रैवल कर रहा है। अभी भाई ने 3 महीने के लिए इंडिया आना है, सोचो कितने कपड़े लेके चल रहा होगा। मैंने पूछा कितने कपड़े हैं, तो कह रहे एक पैंट, दो टी शर्ट, एक जैकेट, कैप, दैट्स इट, बस यही लेके चल रहा है भाई। और 2 साल का ट्रैवल है, 3 महीने इंडिया में, 1 महीना यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है। नो प्रॉब्लम भाई साहब, देखो इसे कहते हैं ट्रैवलर। हम देखो कपड़े ठूस ठूस के चल पड़ते हैं। आई हैव 5 t-shirts, lots of योर वुमन। भाई रात का कुछ नज़ारा इस तरह का है समरकंद का, यहाँ लाइटिंग प्रोग्राम ये देखने आए हैं हम। ये देखो वाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और पास चलते हैं, शायद अंदर जाने दे में भी। एक्चुअली इसकी टिकट है तो ट्राई कर रहे थे अंदर जाने का। मुझे लग रहा है भैया टिकट लेनी पड़ेगी क्योंकि दोबारा आना पड़ेगा सुबह। शुक्र है मेरे साथ जो बाकी लोग हैं, ये भी कंजूस ही हैं। जो लोग अंदर है टिकट लेके अंदर पहले से गए हुए हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है, मुँह से बोला नहीं जा रहा, कब कभी छूट रही है, ठंडी हवा चल रही है। क्या ही खूबसूरत है यार, लोगों के फोटो सेशन चल रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहा है, मजा आ गया। शाम के वक्त का नजारा देख के दिल खुश हो गया। The next day. So hello guys, welcome again to my next vlog. और एक और सुबह हो चुकी है और आज हमारा दिन है समरकंद के अंदर। भाई ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, ये भाई हमें छोड़ के जा रहा है और इंडिया में मिलेगा आफ्टर 2 weeks, नेक्स्ट वीक इंडिया। ओके ओके बेटी, सेफ जर्नी, गुड बाय। ये एक भाई और मिला बांग्लादेश से, तो अभी हम साथ ही जाने वाले हैं, बस फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं, आपको घुमाते हैं समरकंद। एक तो हमारे हॉस्टल जो है ना बड़ा हेरिटेज स्टाइल का, इन्होंने इस तरह से बेड लगा रखा है। ये जो देख रहे हो ना, मैं सोचा था ऐसे आर्टिफिशियल है, ये यहाँ पे हीटर है, मतलब पूरा अंदर ना आग जलती है, पूरा ना रूम्स को गर्म करता है, मतलब पूरी ये बिल्डिंग है ना पुराने स्टाइल की बनी हुई है, काफी बढ़िया जगह है। मतलब आप अगर इस तरह से चीजें पसंद करते हो तो यूनिक चीजें देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, जैसे अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, देखो क्या ही खूबसूरत जगह यार। जो ऑनर है शायद वो सामने रहता है। तो यहाँ डॉगी पाल रखे हैं इन्होंने, ये काफी अच्छा एरिया, खुल्ला डुल्ला सा, और इन्होंने कबूतर उतर पाल रखे हैं भाई। जब हम आए थे ना रात को यहाँ से एंटर किया था, तो एंटर करने का बस ये हिस्सा दिख रहा था, ऐसे लग रहा था साला कहाँ आ गया हूँ भाई, बिल्कुल सुनसान, बाहर बोर्ड तक नहीं लगा था, पर अंदर काफी चहल पहल थी। पूरा इनका हाउस पैक है, इनका हॉस्टल जो है, तो ऐसे बड़े बड़े गेट होते हैं यहाँ, लग रहा था गाँव है। एक्चुअली मुझे टैक्सी वाला भी लेके आया था ना, इस साइड से लेके आया था। हुसैन इमरान बांग्लादेश से, ढाका से भाई। देखो ट्रैवलिंग का यही फायदा होता है, लोग मिलते हैं। मैंने वहाँ से आने का यहाँ देखा पूरा मार्केट है, हॉस्टल अच्छा है नो डाउट हमारा। क्या जगह का नाम है, इस्लाम करकी करके कोई जगह है। देखो शेवरले सब शेवरले चलती है। देखो इस तरह से ना यहाँ मार्केट लगती है, पता नहीं लोग ये ब्रेड कैसे खाते हैं, ये ब्रेड ले जाते हैं, रोटी बनाते नहीं है। हेलो सलाम, ये रोटी नहीं बनाते, ये इसी तरह की ब्रेड रखते हैं भाई। हमने खाई है ना, इतनी सूखी होती है ना, खाई नहीं गई। ऑल ओवर ये कि हम जहाँ ठहरे हुए हैं यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है, तो सही जगह हमने प्रॉपर्टी ली है। ऑल ओवर इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, हाँ हॉस्टल तकसनीन, क्राउडेड रहता है ये बता दूँ, काफ़ी सारे फॉरनर्स वगैरह होते हैं। तो भाई यहाँ करेंसी एक्सचेंज करानी है सबसे पहले, ये काम करना है, फंड ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। सोम में आपको बता दूँ यहाँ की करेंसी है, हमारे यहाँ का 1 रुपया इंडिया यहाँ का 145 सोम बनता है। और जेंडिक्स ऐप है जो कि टैक्सी की ऐप है, उसको यूज़ करना। सामने रात को मैं आपको लेके आया था यहाँ पे, इसकी टिकट थी 50,000 की, रात को देने का कोई सेंस था नहीं। बहुत सारे लोग जो मेरे बैंकॉक वाली पब्लिक है वो सोच रहे होंगे यार नाइट लाइफ भाई, नाइट लाइफ के नाम पे यहाँ पे क्लब्स हैं, वहाँ जाओ, ओपनली थाईलैंड की तरह जगह जगह खड़े हुए नहीं मिलने वाला यहाँ कुछ, क्योंकि यहाँ पे जगह टूरिज्म और फैमिलियर ज्यादा है। और ये रहा ATM, $50 में भाई को देके ना, जो डॉलर का रेट मैंने लास्ट से मैंने एक्सचेंज करा था बैंक से, तो वही रेट ले रहा हूँ। अगर आप बैंक जा रहे हो तो लगभग $1 का रेट है, 12,000 इसी के आसपास होगा, 17-20 ऊपर नीचे चलता रहता है। करेंसी बहुत ज्यादा निकाल लिए, ये होता है 1 लाख का नोट भाई यहाँ का। भाई ये भुट्टा यहाँ बहुत ज्यादा खाते हैं। हाउ मच दिस? 10,000 स्मॉल 5,000, पर अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा रुक के खाएंगे। मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत लोग यहाँ भुट्टा बेचते हैं। थैंक यू रकमे तकनीफ, हमारे इंडिया जैसे लोग होते हैं ना, तो मतलब खूबसूरत लड़की देख के तो ऐसे पागल हो जाएंगे, समझ रहे ना, तो यहाँ ये कॉमन चीज़ है। तो हम क्रॉस करते हैं। तो गाइस फाइनली आ गए हम समरकंद की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जगह पे, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है।
और वो लिखा हुआ बड़ा बड़ा समरकंद वर्ल्ड कल्चर टूरिज्म कैपिटल। और यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये देखो कितना ही ज्यादा क्राउड है। ये बैरियर्स के अंदर जाने के लिए टिकट लगती है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है रात के वक्त, पर ये हजारों साल पुराना स्ट्रक्चर है जो कि इन्होंने अभी तक मेंटेन कर रखा है। एक्चुअली में इसको ना टर्किश उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसके अंदर ना सारी जो चीजें बनी है लकड़ी का यूज किया गया, लकड़ी और पत्थर का। पहले पिलर विलर होते नहीं थे। अगर आप इसको देखोगे, देखो लोग किस तरह से सजे रहते हैं यहाँ पे। हेलो सलाम, ये लोकल कल्चर है यहाँ पे, कोट पैंट टोपी एंड ये ड्रेस कोड। इंडिया था? यस इंडिया इंडिया। नमस्ते 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 नमस्ते। यस शूट ब्यूटीफुल, थैंक यू रखमेत, सलाम अलैकुम। अल्लाह सखलास। यस यस, देखो कितने खूबसूरत है। थैंक यू। यहाँ पे ये नायलोन सा होता है, कौन सा कपड़ा होता है भाई? ये वेलवेट वाला कपड़ा, इसी के पूरे ड्रेस कोड पूरे पूरे पहनते हैं, तो ज्यादातर यही वेयर करा जाता है। और ये देखो बहुत ज्यादा पब्लिक है। वो देखो शादी का, मैं बता रहा हूँ शादी का शूट चल रहा है, मैं तभी को इतनी भीड़ के भाई। यहाँ व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, गाउन वगैरह। ये देख लो दूल्हा दुल्हन। हेलो सलाम, देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं। हेलो भाई, ये यहाँ के दूल्हा दुल्हन होते हैं इस तरह से। कंग्रेचुलेशन भाई, प्री वेडिंग चल रही है यहाँ पे। और ये देखो एक और कपल आ गया, ये देखो इनके प्री वेडिंग चल रही है। सलाम, बढ़िया यार शूट वूट चल रहा है। मैं इतनी भीड़ क्यों है भाई? कौन सा स्टार आ रखा है भाई? फोटोशूट चल रहा है यहाँ। और देखो बच्चे हैं छोटे छोटे पर। और हम जा रहे हैं यहाँ से निकल के एक मार्केट की तरफ। यहाँ हम सोचे शाम को आए, क्योंकि शाम को ना यहाँ पे लाइटिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। और यहाँ देखो काफी अच्छा। हेलो सलाम नमस्ते। अच्छी लग रही है पर $3 की दे रहे हैं, पर अपने किसी काम की नहीं है। $2 की $2 की होगी फिर भी अपने किसी काम की नहीं है। मैंने भाई को बोला था मेरे साथ जाओगे परेशान हो जाओगे, मैं बहुत लोगों से बातचीत करता हूँ, वीडियो करता जाता हूँ। लोग बहुत अच्छे हैं और काफी हसमुख है। काफी लोग इंडियंस को पसंद कर देते हैं, पता चल जाता है लोग इंडियंस को ना यहाँ पे। यहाँ की मूवीज शाहरुख खान सलमान खान इन सब चीजों की मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं। और यहाँ देखो यहाँ के यंगस्टर लड़के। हेलो हाय, हेलो हेलो हेलो, वेट वेट वेट, आई वांट फोटो फोटो। अरे भाई देखो क्या ही खूबसूरत लग रही है। एक्सक्यूज मी, कैन वी टेक ए पिक्चर? यस यस, नो प्रॉब्लम। दिस इज योर लोकल ड्रेस कोड क्या है? चुम्मा। तेरा चुम्मा है ये भाई? पता नहीं जो भी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर। चलो भाई थैंक यू। यस फोटो, ओके नो प्रॉब्लम। भाई ये बच्चे आए करे फोटो वोटो खींचनी है। थैंक यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू। इट्स अ यूट्यूब यूट्यूब सेल्फी ले ले भाई। थैंक यू, बाय बाय, पक्का पक्का ट्रैवलर जतिन, ओके थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। तो चलो भाई मजा आता है, हम फोटो ले रहे थे, लोग हमारी फोटो ले रहे थे, इसका भी एक अपना मजा है। कितने सारे बैलून लेके खड़ी है, वाओ। ये सारे गिफ्ट मिले गए, बॉयफ्रेंड ने दिए कि उड़ना जाए इसके साथ। तो भैया यहाँ भी शूट चल रहा है। और यहाँ देखो इस तरह से लोकल ब्रेड्स केक्स वगैरह मिल रहे हैं खाने कोने को। यहाँ भी पट्टी खाई जाती है, पर यहाँ पे ना सीट्स होते हैं ना बीज, उनकी पट्टी होती है। तो यहाँ के लोकल बहुत ज्यादा घूमने आए हुए हैं, संडे है इसलिए ज्यादा भीड़ है भाई। ये देखो इस तरह से तैयार होते हैं और यहाँ बहुत घूम रहे हैं प्री वेडिंग वाले यार। ये देखो मुझे नहीं मालूम संडे है, संडे करके बहुत ज्यादा भीड़ है। काफी हसमुख लोग हैं और काफी खूबसूरत लोग हैं, नो डाउट मजा आएगा अगर आप आ रहे हो। इंडियंस को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं यार। यहाँ भी इतने शूट चल रहे हैं। स्लोम करीमूव, करीमूव कौन है भाई? कोई होगा, इसको गूगल कर लेना, पता चल जाएगा कौन है ये। ये देखो ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये रिक्शा मैंने देखा था, ये खुद ही चलाना होता है। ये देखो फुल और मस्ती कर रहे हैं, कुछ चलाओ और घुमाओ और ठोक दो। लेडीज चला रही है, इंजॉय कर रही है यार। यहाँ भी शूट वूट चल रहे हैं भाई, वो कबूतर उड़ी नहीं रहा। ये देखो अंदर यहाँ भी शूट चल रहे हैं। हेलो गर्ल्स, हेलो नमस्ते। यहाँ भी शूट चल रहा है भाई, कबूतर पकड़ पकड़ के। यस ये देखो कंग्रेचुलेशन। मेरे ख्याल से नाना करते हमने 10-15 कपल तो देख चुके हैं और पता नहीं कितने। ये देखो घाघरा फैला के बैठी हुई हैं, अच्छा लग रहा है। तो इनकी फोटो मैं इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है यार, और मुझे नहीं मालूम था संडे को इतनी सारी प्री वेडिंग चलती रहती है। तो चलो हम एक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ खाना पीना ना मैंने एज कम्पेयर नोटिस करा है, यहाँ पे नॉर्मल प्राइस पे मिलता है। ये इस तरह से खूबसूरत सी स्ट्रीट बनी हुई है, जो तरीका है वॉकिंग का स्ट्रीट्स का, क्योंकि वैसे तो ये जगह ही सारी हेरिटेज है, पुराने पुराने से स्टाइल के घर बने हुए हैं। स्ट्रीट बहुत प्यारी है, मज़ा आ रहा है वॉक करते हुए फिलहाल, और मौसम तो ठंडा है यहाँ पे। तो भैया इस तरह खाने की चीज़ें बहुत सारी मिलती है। लोग यहाँ ना पैटीज बहुत खाते हैं, फ्राई बंस वगैरह ये चीज़ें लोग बहुत खाते हैं। और ओश भाई बता रहा है वो बिरयानी होती है बिरयानी, पर ये मिलती है ज़्यादातर बीफ में, चिकन बहुत रेयरली मिलती है। ये देखो कितना ही प्यारा रेस्टोरेंट सिस्टम बना हुआ है, लोग यही चीज़ें इंजॉय करने आते हैं। ये बिल्डिंग ना आप देखो टिल टेढ़ी हो रही है ना, टेढ़ी हो रही है बिल्डिंग भाई, कभी भी गिर सकता है। और ये हजारों साल पुराना है, यहाँ भी सिर्फ रखा गया है पत्थर के ऊपर, उसके बाद ये सीधा खड़ा है। और सीधा भी क्या खड़ा, थोड़ा टेढ़ा टेन टेढ़ा हो रहा है।
अंदर मार्केट, बहुत बड़ा गेट है भाई इसका तो, काफी खूबसूरत है, काफी बड़ा गेट है। सर बताऊँ तो हमारे इंडिया गेट से भी थोड़ा बड़ा ही लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा हाइट है। इसकी डिटेल भी चेक करते हैं और वो सामने बाजार है, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी 30,000 सोम की। कुछ इस तरह का नजारा है यहाँ से, अब सोच रहे टिकट ले या ना ले। अंदर यार इसकी हिस्ट्री ज्यादा मालूम नहीं, और आपको चलते फिरते भी करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। वैसे कुछ खास है नहीं अंदर सर, दोनों पहले हिस्ट्री देखते हैं। और काफी ज्यादा क्राउड है, पर ये देखो दरवाजा जो लकड़ी का काम हो रखा है ना, काफी खूबसूरत है, काफी बढ़िया है। देख के आते हैं यहाँ क्या मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ भी सब महंगा ही होगा, ज्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं। ये टेस्ट करा रही है क्या? टेस्ट कर लो भाई, लाओ लाओ लाओ, हम टेस्ट करेंगे। और यहाँ के लोगों में देख रहा हूँ दांत टूटते सोने के दांत लगा लेते हैं। टेस्टी है भाई, बढ़िया है। चॉकलेट वाला खा लेंगे हम तो, चॉकलेट भी खा लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, सारा टेस्ट करके लेंगे, पेट इसी भरेंगे आज। हाउ मच? 40,000, 250 ग्राम होगा मेरे ख्याल से। हाउ मच वेट? हाफ किलो है। बहुत टेस्टी है, पर मैं खरीदूंगा ताशकंद से। हेलो, हर जगह हम टेस्ट तो कर ही लेंगे। ये भी कुछ बिक रहा है, ये खजूर के अंदर ना ये अखरोट का पीस होता है, ये भी टेस्टी होता है। अभी टेस्ट ही कराने वाले, ये सब कह रहे देखो देखो, आपको गिरी सस्ती मिल जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है रोल रोल करके, इतनी सारी चीजें देख के मेरा टेस्ट करने का मन कर रहा है, टेस्ट ही नहीं करा रहा। अब मन कर रहा है एक करके उठाते जाओ और खाते जाओ। शहतूत को ड्राई करके बेच रहे हैं। यस, इंडिया 60 भाई अच्छा बंदा है यार, प्राइस कम करता जा रहा है। इसे स्मॉल अखरोट है भाई, छोटे वाला। मजा आ गया, ये लड़का स्कूल नहीं जाता है, काम करता है यहाँ पर। योर नेम? नेम नेम जारो जारो। ये छोटी सी उम्र का लड़का है। जिगर मासूम? जिगर मासूम। ओके भाई, मुझे नहीं मालूम क्या बोला है, पर ये स्कूल नहीं जाता, काम करता है। बुखारो से भाई। मैं सोच रहा था मार्केट छोटी है भाई, मार्केट पीछे की तरफ और ज्यादा निकल के जा रही है। सब्जियां वब्जियां बिक रही है भाई। ये पता नहीं ये क्या खाते हैं, ये फ्रूट्स वगैरह इसका, इसमें सिरका विरका डाल के ये कुछ खाते हैं। और ये इनके कल्चरल बर्तन होते हैं, काफी खूबसूरत होते हैं। ये देखो ये काफी प्यारा लग रहा है, बढ़िया यार, अच्छा लग रहा है। शॉपिंग करने के अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे भाई। यहाँ सब्जियां दालें वाले ओट्स ओट्स से सारा सामान मिल रहा है। सही है यार, अगर आप लोगों ने आना है ना तो, अगर आपका हॉस्टल है वहाँ बनाना चाहते हो इस्लाम तो वहाँ बना सकते हो। यहाँ दादियाँ काम कर रही हैं सारी, ये तेल वेल सिरका पिरका सब मिल रहा है। ये शायद शहद है मिट्टी के, उससे कैप कर रखा है इन्होंने। लोकल्स भी काफ़ी आ रखे हैं यहाँ पे। बेसिकली मैंने नोटिस करा है यहाँ जितने लोग ये बाजार लगा रहे हैं ये सारे ना आसपास के गाँव से विलेज से आते हैं, ये लोकल अपना सामान लेके बेचते हैं। तो ये मसाले देखो, खुशबू बहुत फ्रेश आ रही है भाई। हमारे यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही बिकता है भाई, बहुत सस्ते में बिकता है। ये चाय पत्ती है, हाँ हाँ, स्मेल तो बहुत अच्छी है भाई। ये सीड्स बहुत खाते हैं लोग। 50,000 केजी भाई, हमें तो टेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, थोड़ा महंगा है। 100 ग्राम 20,000 ना भाई। ये बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। मैं सोच रहा था 2,000 सोम के 100 ग्राम कह रहा है, ऊपर यहाँ पता था 2,00,000 सोम के 1 किलो कह रहा है भाई, बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। सारा एरिया ना घूमने का बहुत ही प्यारा है, और लोकल मार्केट लोकल लोगों से मिलने का एक मजा अलग ही है भाई। नीचे भी मार्केट है, काफी बढ़िया। तो भैया इस तरह से यहाँ अनार का जूस निकलता है, जैसे कि मैंने ताशकंद में पिया था, 10,000 सोम का अराउंड हो गया, 60-70 रुपए का। घूमते फिरते रहो, टेस्ट करते रहो। फ्रेश फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं भाई, पता नहीं प्राइस क्या है सेब का। हाउ मच? 15 समझ नहीं आया, बस इंडिया बोला इतना समझ आया है भाई। पूरी फ्रूट मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, आगे स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, ऑल ओवर काफी बड़ा बाजार है भाई। अजीब अजीब से फ्रूट दिख रहे हैं, ये तो नहीं मैंने देखा। ये क्या बांग्लादेश में बोलते हैं कोमोला, संतरा, इतना बड़ा ये संतरा है, नींबू से भी छोटा है हमारे यहाँ के। और ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है, मुझे मालूम नहीं है। इंडिया इज नॉट, हाँ पता नहीं, कुछ कह रही थी। हेलो, ये देखो यहाँ की ड्रेस ना सेल होती है ऐसे। हेलो, थैंक यू 6 लाख सोंग। ओ भाई 3 लाख भाई, हमारे कश्मीर चले आओ, 150 रुपए धक्के खाती है टोपिया भाई। इसको ड्राई फ्रूट दिलाते हैं भाई को। ये लड़का घूमते फिरते मेरे पास दोबारा आ गया, कह रहा है भैया मुझे पैसे दो। मैं समझ गया ये पैसे मांग रहा है, पर मैं इसको जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। कह रहा है 5,000 दे दो, 5,000 सोंग। यहाँ देख रहे हैं इनकी ब्रेड्स कितनी कलरफुल थी, और इन्होंने बकायदा इस ब्रेड को तो रोटी डिजाइन कुछ लिखा भी हुआ है इसके अंदर। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ब्रेड वाली जगह देखनी जहाँ ब्रेड बनती है, ये कह रहे हो जगह सोच चुके हैं लोग, मगर जगह ही नहीं बता रहे भाई। यहाँ कुछ अजीब सी ये चीज़ बनी हुई है, केक सा पता नहीं क्या है। हमारे यहाँ जैसे वो बच्चों का मिल्क पाउडर नहीं आता, तो दूध बिल्कुल सेम वही है, सेम। भाई ने शॉपिंग कर ली है। इस वीडियो को इतना रखता हूँ, हमारे साथ घूम रहे हो आप समरकंद।
तो बस एक छोटे से वर्ड के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। जिंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। और अपनी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर कुछ भी बात करनी है। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय। I feel like I'm losing my mind.